सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ दबाइए इस रेड सब्सक्राइब के बटन को और साथ ही में इस बेल आइकन को भी, और पाइए मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे हेलो गाइस, मैं कार्तिक और आपका स्वागत है मेरी नई यूट्यूब वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कनाडा में कौन कौन से कपड़े लेके जाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी 26 अप्रैल की फ्लाइट है, सो हमने सोचा क्यों ना आज से हम पैकिंग करना चालू कर दे, सिर्फ 12 दिन ही पड़े हैं। सो गाइस, पैकिंग की वीडियो जो है वो दो पार्ट में आएगी। सबसे पहले पार्ट में, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सारे मैं आपको कपड़े दिखाऊंगा कि अगर आप कनाडा पहली बार जा रहे हो तो आप कौन कौन से अपना गर्मियों के कपड़े लेके जाने चाहिए, विंटर के, और कौन कौन से फॉर्मल शूज लेके जाने चाहिए, फॉर्मल कपड़े लेके जाने चाहिए। और जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है गाइस, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से बर्तन लेके जाने हैं, कौन कौन से किचन वेयर एंड यूटेंसिल्स लेके जाने हैं। सो स्टे ट्यून गाइस। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहे हमारे 3 बैग्स, सॉरी। सो गाइस, ये रहे मेरे टोटल 5 बैग जो मैं अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। सबसे पहले 28 28 इंची के गाइस मैंने 3 बैग लिए हैं, जिनका वेट होना चाहिए 23 केजीज, और ये एक छोटा वाला 20 इंची का बैग है, इसका वेट 7 किलो होना चाहिए। और ये कि हमारा गाइस लैपटॉप बैग हो गया। सो टोटल मैं 5 बैग लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एयर इंडिया के साथ अपना जर्नी प्लान करी है। सो एयर इंडिया अलाउज अस टू कैरी 3 बैग्स ऑफ 23 केजीज, बिकॉज हम स्टूडेंट हैं और हम पहली बार जा रहे हैं। सो वहाँ पे उनको हम अपना स्टूडेंट वीज़ा दिखाएंगे और वो हमसे एक नॉर्मल सा फॉर्म फिल करा देंगे, एंड देन वी कैन कैरी 3 बैग्स ऑफ 23 केजी। और एक ही गाइस मैंने नॉर्मल सा बैग लिया जो मैं अपनी वेस्ट पे बांध लूंगा। इसमें मैं अपने पैसे वगैरह रख सकते हो या फिर अपना पासपोर्ट रख सकते हो। सो एक ये भी बैग कैरी जरूर करना। अब आगे चलते हैं गाइस अपने फुटवेयर की तरफ। सो ये गाइस मैंने सबसे पहले तो लिए 2 स्लीपर्स, एक ये नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप्स है और एक ये क्रॉक्स हो गए। अब गाइस, ये रहे हमारे फॉर्मल शूज जो हम अपने फॉर्मल्स के साथ पहन सकते हैं, लाइक कोट पैंट हो गया या फिर फॉर्मल पैंट शर्ट्स हो गई। सो गाइस, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मिसिंग लगेगी, वो है स्नो बूट्स। सो गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और तब मैंने सोचा कि स्नो बूट्स हमको वहीं से लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमको कनाडा के विंटर के हिसाब से स्नो बूट्स मिलेंगे और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और स्नो जैकेट्स भी मैं गाइस वहीं से लूँगा। अब आगे चलते हैं। सो गाइस, ये रही मेरी कॉलर वाली, मैंने 2 टी शर्ट्स दी हैं कॉलर वाली। ये गाइस राउंड नेक टी शर्ट्स मैंने 4 to 5 ली है, तो टोटल 6 टी शर्ट्स हो गई। अब ये रही गाइस हमारी नॉर्मल शर्ट्स जो हम कहीं भी अभी अगर बाहर जा रहे हैं तो पहनकर जा सकते हैं। सो ये गाइस मैंने टोटल 3 ली है अपना अलग अलग कलर्स की। ये गाइस हमारे कुर्ते पजामे हो गए, ये भी मैंने 3 ली है। वो वहां पर आप देख सकते हैं हमारा कोट हो गया, कहीं पे भी कोई फंक्शन होता है कॉलेज का तो हम वहाँ पे कोट पैंट पहनकर जा सकते हैं, तो मैंने एक ब्लेजर भी सिलवा लिया। ये हमारे कुर्ते पजामे 3 हो गए। ये 3 मैंने नॉर्मल शर्ट सिलवाई थी, ये तो मैंने चलो रेडीमेड ही ली थी, और 6 हमारी हो गई टी शर्ट्स। अब आगे चलते हैं गाइस। सो गाइस, मैंने 4 अपनी जो है शॉर्ट्स ले ली, ताकि वहाँ पे कंफर्टेबल अपने घर में रह सके, क्योंकि वहाँ पे घरों में तो हीटर लगा ही होता है, तो मैंने शॉर्ट्स ले ली हैं। ये रही गाइस मेरी एक लॉन्ग वाली सॉक्स हो गई, ये वुलन वाली है, इसके भी गाइस मैंने 6 पेयर लिए हैं। आगे चलते हैं, ये है हमारी एंकल सॉक्स स्पोर्ट्स वाली जो हम अपने स्पोर्ट्स शूज के साथ पहन सकते हैं, इसके भी मैंने 6 पेयर लिए हैं, तो दोनों के 6 6 पेयर लिए, तो टोटल 12 हो गई हैं। अब ये हो गई गाइस हमारी वेस्ट, ये आप चाहे तो कलरफुल भी ले सकते हैं और चाहे तो वाइट भी ले सकते हैं। इसके भी मैंने टोटल 10 पीसेस लिए हैं, 5 कलर वाली के और 5 वाइट के। अब जैसे कि आपको पता है वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने सोचा यहीं से ग्लव्स भी लेकर चले जाते हैं। सो ये मैंने ग्लव्स लिए थे, एक अंदर से काफ़ी वुलन वाले हैं ये, सो एक ग्लव्स हो गए। इसके बाद गाइस मैंने 2 अपनी कैप्स ली थी, ये भी वॉर्म है काफ़ी, वुलन कैप्स हैं ये भी। आगे चलते हैं गाइस, ये रहे हमारे मफलर्स। सो 3 मफलर भी मैंने ले लिए थे। अब गाइस, ये है हमारी जीन की पेंटें जो हम इन टी शर्ट्स के साथ और इन सब के साथ पहन सकते हैं। सो जीन की पेंटें गाइस मैंने 4 ले ली थी। अब ये रहे गाइस हमारा फॉर्मल्स, ये फॉर्मल्स पेंट और शर्ट मैंने टोटल 3 सिलवाए थे। तो ये जीन्स हो गई, वो वहाँ पे फॉर्मल्स हो गए, ये शर्ट्स हो गई नॉर्मल। अब आगे चलते हैं गाइस।
अब ये है गाइस हमारे स्वेट शर्ट्स वगैरह। सो सबसे पहले मैंने दो ट्रैक सूट लिए हैं, ये आप देख सकते हैं दो ट्रैक सूट, और ये मैंने एक रुमाल का डब्बा भी ले लिया था, इसमें टोटल 12 है। अब ये रहे गाइस हमारे अंडरगारमेंट्स, इसके भी आप कम से कम 7 से 8 पेयर रख लेना। ये है गाइस हमारी हैंड टॉवल, हैंड टॉवल मैंने 4 से 6 रख लिए हैं। और 3 हमारे गाइस हो गए नहाने वाले टॉवल्स, और ये गाइस जो किचन में हम यूज कर सकते हैं अपना साफ सफाई के लिए, तो ये भी मैंने 5-6 रख लिए हैं। सो, अब मेन चीज आती है गाइस वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो मैंने 2 ऐसे बॉडी वार्मर भी ले लिए जो हम कभी अपने लोअर के नीचे डाल सकते हैं, या फिर ऐसी जो हम जीन्स वगैरह पहनते हैं वो इतनी ठंडी होती है, तो इसलिए हम अपनी लेग्स को वार्म रखने के लिए ऐसा पहन सकते हैं बॉडी वार्मर। अब आगे चलते हैं गाइस अपनी स्वेट शर्ट्स की ओर। सो गाइस स्वेट शर्ट्स मैंने 6 से 7 ली हैं, ताकि मेरे को वहां पे जाके बहुत कम शॉपिंग करनी पड़े, क्योंकि अभी हम जाएंगे स्टूडेंट्स, सो वहां पे कोई नहीं चाहता कि हम ज्यादा अपना खर्चा करें। सो इसलिए मैंने 6 से 7 स्वेट शर्ट्स यहीं से ले ली हैं, जो मेरी ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल चल जाएंगी। फिर जब वहां पे ब्लैक फ्राइडे सेल लगेगी तो हम वहां से और अपनी स्वेट शर्ट्स बाय कर लेंगे। आप देख सकते हैं 6 से 7 स्वेट शर्ट्स मैंने ले ली हैं। और अब आते हैं गाइस हम अपने लोअर की तरफ। सो गाइस मैंने 3 से 4 जो है अपने वुलन वाले लोअर्स भी रखे थे, और 3 से 4 मैंने अपने ड्राई फिट वाले लोअर्स रखे थे, ताकि जब आप गर्मी का मौसम आए तो हमें वुलन वालों में गर्मी ना लगे। सो गाइस ये थी मेरी सारी शॉपिंग जो मैंने करी है, आप देख सकते हैं यहाँ से वो रहे मेरे सारे ट्रैक सूट, सारे टॉवल्स, स्वेट शर्ट्स, लोअर्स हो गए, ये मेरा बैग, ये सारे मेरा फुटवियर हो गए, ये कॉलर वाली टी शर्ट्स हो गई, कैप्स, राउंड नेक टी शर्ट्स, नॉर्मल शर्ट्स, कुर्ते पजामे, ब्लेजर, फॉर्मल्स, जीन की पेंटे हो गई, मफलर, वेस्ट। मैं एक बार दोबारा से आपको सब कुछ दिखा देता हूँ कि जो मेरी वीडियो में अभी आए हैं तो कुछ मिस ना करें। ये हमारी वुलन सॉक्स, ऐसे ही एक हमारा रुमाल हो गए, हैंकरचीफ, अंडरगारमेंट्स, बॉडी वार्मर। सो ये थी गाइस मेरी सारी वीडियो, और ये हमारे बैग्स हैं। सो गाइस आई होप आपको ये वाली वीडियो काफी ज्यादा हेल्पिंग लगी होगी। ये वाली वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि जो आने वाले कैनेडा में स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आए, और ये सारी पैकिंग है जो मैंने अभी करी है, सो इसमें ना ही अभी मैंने मेडिसिन की वीडियो बनाई है और ना ही किचन के एसेंशियल्स की बनाई है। सो डोंट वरी, वो भी कैनेडा पैकिंग पार्ट 2 मेरा बहुत जल्दी आने वाला है, 2 से 3 दिन में मैं वो भी शूट करके डाल दूंगा। सो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल कर दो सब्सक्राइब, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अपनी पूरी जर्नी शूट करना, सो चिंता मत करो, वीडियो हर हफ्ते रेगुलर आती रहेंगी, ठीक है। आपने मेरी पिछली वीडियो को भी बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो ये वाली वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर मैं कोई चीज इस वीडियो में डालना भूल गया हूं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को भी याद दिला देना, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू।